आपको हर अहंकार ध्यान रखना कर्ता का भाव देता कि मैं करता हूं, और जब तक आप मानते कि मैं कुछ कर रहा हूं ना, तभी तक आपका मैं है। ये दोनों संयुक्त है, आपका मैं, आपका मेरा, आपका मेरे, तब तक ये जब तक आप करता है, आप ये मान रहे कि मैं कर रहा हूं, ये आपका भ्रम है। बड़े अच्छे समझ लेना, आप कुछ कर ही नहीं रहे, आप कुछ कर सकते ही नहीं है, ये भी आपका भ्रम है। और ये आपका जो करता हूं ना, यही आपके मैं का भ्रम पैदा कर रहा है। बड़े अच्छे समझ लेना, आप कहते मैं करता हूं, आप करते नहीं है। बड़े अच्छे समझ लेना, आपका सारा मैं, आपका सारा कर्तापन भ्रम है। इसलिए आप कर्तापन हटा दो कि आप कुछ करते हैं। आज के बाद आप गौर से देखें, गीता का एक श्लोक सुनाता हूं। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, फिर भी जिसका अंतःकरण मोहित हो रहा है, ऐसा अज्ञानी मैं करता हूं ऐसा मानता है, लेकिन दरअसल स्वभाव ही स्वभाव में बरत रहा है। आप कर क्या रहे हैं, लेकिन अज्ञान वश, अहंकार वश, इस मैं के वश आप मानते कि मैं करता हूं। अब आज के बाद आप गौर करना, मैं भी अहंकार तोड़ता और गौर करता हूं। मेरे को अहंकार तोड़ने का बड़ा शौक कि बेचारे का कुछ भला हो जाए। तो कभी जैन, कभी हिंदू, कभी मुसलमान, कभी बौद्ध, कईयों को बुरा लगता, कच्चे पक्के होते आना बंद हो जाते है ना, अरे बोलो न, फिर कुछ आगे मजबूत हो जाते। तो मैं करता नहीं हूं, आप देख लेना। कोई आपको गाली देता है, कोई आपका अपमान करता है, तो आप क्रोधित हो जाते हैं। तो आप ये कहते हैं मैंने क्रोध किया, आपने क्रोध किया कि उसने गुस्सा दिलवाया? गौर करना, कभी आपको ईर्ष्या होती, आपको ईर्ष्या हुई कि कोई आगे बढ़ गया इसलिए आपको ईर्ष्या हुई? गौर करना, आप कर नहीं रहे हैं। आपके मन का भी एक ऑटोमेशन है, आपकी साइकोलॉजी के हिसाब से ऑटोमेटिक है। आपके मन की सारी क्रियाएं इतनी ऑटोमेटिक है कि आप रत्ती भर कुछ नहीं कर सकते। आप अपनी मर्जी से क्रोध पैदा नहीं कर सकते कि लाओ मैं अब भी क्रोधित होकर दिखाता हूं, कोई दिखा मेरे को, मैं छेड़ूंगा तो होगा है ना, या फिर वो आएगा तब आएगा। आप करता नहीं है, लेकिन आप भी गलत फहमी है, मैंने क्रोध किया। अच्छा, ये क्या पागलपन है, मैंने दान किया। अरे आप कर ही नहीं सकते, आपका स्वभाव आपसे करवा रहा है। जो आपने अपनी साइकोलॉजी बनाई है, जो आपकी अपनी वीकनेस है, वो आपसे सब करवा रही है, ऑटोमेटिक है। आप न क्रोध कर रहे हैं न कुछ कर रहे हैं, आपको करने की सत्ता नहीं है। आपका अहंकार क्या है, आप रोक सकते, समझ लेना। आप करता नहीं है, आप ये मानते कि आप करता है, और आप करने की जीत करते। भूख लगने की सत्ता आपको नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता कि रोज 7 बजे मुझे भूख लगे, नहीं। ये कह सकता कि 7 बजे मैं खाना खाऊंगा, भूख हो ना हो, ये कर सकते आप। भूख लगे, नींद आ जाए, ये सत्ता आपके पास नहीं है। लेकिन कुदरत के अहंकार की सत्ता आपके पास है, भूख लगे तो भी नहीं, आज सोमवार है, ये आपकी सत्ता है, ये आपका कर्तापन है। भूख लगने की सत्ता आपको नहीं है, पॉजिटिव की रत्ती भर सत्ता आपको नहीं है, ये समझ लेना। तो कर्ता भाव आप अपने जीवन में से हटा लो कि आप कुछ कर रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं। इतना समझ जाओगे तो आपका सारा अहंकार शून्य हो जाएगा, जीवन मस्ती से भर जाएगा। आप मत सुनो उनकी बातें जो दुकान चला रहे हैं, जो अज्ञानी है, जो खुद अहंकार से भरे हैं, जिनका मैं इतना मजबूत है कि उनको बाकी सब दुश्मन नजर आते, वो क्या मनुष्यता की बात करेंगे और क्या संयुक्तता की बात करेंगे। इसलिए गीता का एक और श्लोक मैं आपको सुनाता हूं कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार का निर्णय करने में बुद्धिमान से बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है,
इस प्रकार का फैसला करने में बुद्धिमान से बुद्धिमान पुरुष मोहित हो जाते हैं। लेकिन अर्जुन, तुझे कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति अति गहन है। मैं अभी आपको कोई ये पूरा सूत्र नहीं सुना सकता, अभी उसकी स्टेज भी नहीं है, लेकिन आप कर नहीं रहे हैं, आप कोई कर्म अभी कर नहीं रहे हैं, उस पोजीशन में आप पहुंचे ही नहीं है कि आप कुछ कर सकें, तो आप कर्ता का भाव हटा दे कि मैं नहीं कर रहा हूं, बात समाप्त हो गई, आपका सारा अहंकार भस्मीभूत हो जाएगा। आप आज के बाद देखें, मैंने करा, आप तब कहें जब वाकई आपने करा हो। आप कहते मैंने उपवास किया, नहीं, उपवास क्या करना है, भूख लगाई तो आप बोले मुझे भूख लगी, मैंने भूख लगाई, मैंने क्रोध किया, नहीं, उपवास करना नेगेटिव कर्म है। आपको नींद आई और बोले नहीं आज जागरण है, तो नेगेटिव कर्म है, आप जाग सकते, लेकिन नेगेटिव कर्म है, पॉजिटिव की आपको सत्ता नहीं है। तो आप जो पॉजिटिव करें तब आप कहना कि मैंने किया, वरना आप मत कहें कि मैंने किया, कर्ता भाव हटा दें, आपने नहीं किया। आप कहते मैंने दान किया, आप कहते मैंने दया की, आप कहते मैंने आपसे सहानुभूति दिखाई, आपने सहानुभूति नहीं दिखाई, आपसे उसका दर्द नहीं देखा गया, सहानुभूति दिखाने को आप मजबूर हैं, आपकी साइकोलॉजी ऐसी है, समझ लेना, गहरे समझ लेना, आप करता नहीं है, सब कुछ ऑटोमेटिक है, आपसे करवा रहा है, और आप इतना समझ जाएंगे कि सब कुछ करवा रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो आप तमाम झंझटों से मुक्त। इसलिए दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, जब सब कुछ उसका है, जब उसके सिवा कुछ नहीं मौजूद, तो ये हंगामा है, खुदा क्या है, आप मुझे बताएं। जब संयुक्ता है, जब सब कुछ भगवान है, तो ये हंगामा है, खुदा क्या है। इसलिए आप कोई कर्म के कर्ता नहीं है। गीता में अर्जुन क्या कहता है, अर्जुन कहता है कि युद्ध में हिंसा होगी, मामे चाचे मरेंगे, ये पाप है, मुझे भागने दो। कृष्ण कह रहे हैं कि नहीं, तू युद्ध का निमित्त बन जा, तू कर्ता मत बन, तू युद्ध का निमित्त बन जा, अगर तू भागेगा, अहिंसा सन्यास की बात करेगा, तो तू सन्यास का कर्ता हो जाएगा, अहिंसा का कर्ता हो जाएगा, और कर्ता पाप है। आप क्या कर रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, अगर आप कर रहे हैं तो पाप है, अगर आपका कर्तापन नहीं है तो पुण्य है। अगर वाल्मीकि डाकू हैं और डाकू के निमित्त हैं, तो उसी वाल्मीकि से रामायण के निमित्त बनने का मौका भी मिला। बड़े अच्छे समझ लेना कि डाकू नहीं है, वो डाकू का निमित्त है वाल्मीकि, रामायण का भी निमित्त बना। मैं भी आपसे यही कह रहा हूं, आप कर्ता मत बने, आप निमित्त बने, आपका ऑटोमेशन आपसे करवा रहा है, जो कोई जो कुछ कह रहा वो झूठ है, मैं आपको मुक्त कर रहा हूं, इसलिए आप कर्ता नहीं है। बस अगर आप कर्ता नहीं है तो सब खुदा का है, फिर आप जो भी कर रहे हैं आप कर्ता भाव हटा दें। बड़ा सूक्ष्म है, बड़ा बारीक है। खत्म हुआ इंतजार। बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी की बेस्ट सेलिंग किताब मैं कृष्ण हूं के भाग एक, भाग दो और भाग तीन के बाद अब तैयार हो जाइए द्वारकाधीश कृष्ण के आगे के जीवन की पूरी कहानी जानने के लिए। पढ़िए मैं कृष्ण हूं भाग चार, मेरे राजनीतिक उत्थान की दास्तान, और जानिए कैसे कृष्ण आर्यावर्त की राजनीति का प्रमुख केंद्र बनकर उभरे, द्रौपदी स्वयंवर सफलता पूर्वक निपटाने हेतु कृष्ण को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पढ़िए मैं कृष्ण हूँ भाग पांच, मेरे और द्वारका के संघर्षशील दिनों की दास्तान, और जानिए कृष्ण को अपनी ही बहन सुभद्रा का अर्जुन द्वारा क्यों अपहरण करवाना पड़ा। क्या भरी सभा में हुए द्रौपदी चीरहरण के दौरान कृष्ण ने द्रौपदी को अनगिनत साड़ियां दी थी। पढ़िए मैं कृष्ण हूँ भाग छह, मेरे जीवन के अंतिम दिन, और जानिए कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान पांडवों का ही साथ क्यों दिया था, क्यों कृष्ण की ही प्यारी द्वारका में अधिकांश यादव आपस में लड़कर खत्म हो गए। मैं कृष्ण हूँ का चौथा, पांचवा और अंतिम छठा भाग हिंदी और गुजराती में सिर्फ atmanestore.com पर उपलब्ध है।
क्या है ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमय शक्ति आत्मा का रहस्य? इस पर से पहली बार पर्दा उठाते हैं बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी अपनी नई किताब आप और आपका आत्मा में। इस किताब में दीप त्रिवेदी आपके जीवन को चलाने वाले ब्रह्मांड की सर्वोच्च सत्ता आत्मा का सरलतम वैज्ञानिक भाषा में विश्लेषण करते हैं तथा आत्मा और उसके आपके जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव से संबंधित तमाम सवालों के जवाब भी देते हैं, जैसे आत्मा क्या है, भगवद गीता में कृष्ण ने आत्मा की शक्तियों के बाबत क्या कहा है, आपकी सिस्टम का आत्मा से क्या ताल्लुक है। साथ ही आपके शानदार जीवन के लिए इस किताब में कई सरल टिप्स भी दिए गए हैं, जैसे आत्मा की शक्तियों को जगाने के सूत्र, आत्म शक्ति को अपने भीतर अनुभव करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका तथा कौन आत्मा के कितने निकट है ये जानने के सरल टेस्ट। सो आज ही अपनी आत्मा से अपनी निकटता बढ़ाओ और अपने हसीन जीवन की नींव डालो, क्योंकि किसका जीवन कैसा रहेगा ये सीधे तौर पर उसका उसकी आत्मा से निकटता पर निर्भर है। ये किताब अंग्रेजी में द ब्लैक बुक ऑफ सोल, हिंदी में आप और आपका आत्मा, मराठी में तुमी आणी तुमसा आत्मा तथा गुजराती में तमे अणे तमारो आत्मा के नाम से सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है।